है कि खेल रत्न के लिए रंजन सोढ़ी के नाम की सिफारिश करने पर जस्ट फॉर कृष्णा पुनिया ने सवाल उठाए हैं। पुनिया के मुताबिक खेल रत्न के लिए जब सिलेक्शन कमेटी की बैठक शुरू हुई थी तब सिर्फ उनका और लंदन पैरालंपिक में रजत पदक जीतने वाले एचएन गिरिशा के बीच वोटिंग होनी थी, लेकिन आखिरी वक्त में सोढ़ी का नाम जोड़ा गया था और उनको चुन भी लिया गया। पुनिया इसकी शिकायत आज खेल मंत्री जितेंद्र सिंह से लिखित तौर पर करेंगी और जरूरत पड़ने पर खेल मंत्री से मुलाकात भी कर सकती हैं। आपको बता दें कि कृष्णा पुनिया कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की पहली एकल स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी हैं, लेकिन अब खेल रत्न पर विवाद शुरू हो गया है। रंजन सोढ़ी के नाम की सिफारिश करने पर अब डिस्कस ओवर, कृष्णा पुनिया ने सीधे सीधे सवाल उठा दिया है। उनका कहना है कि दरअसल रंजन सोढ़ी का नाम आखिरी वक्त में शामिल किया गया और इस वक्त हमारे साथ खुद कृष्णा पुनिया फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। अब कृष्णा, आपत्ति किन किन बातों को लेकर है आपकी? देखिए, जब आप अप्लाई करते हैं इसके लिए और एक रूल है कि आप एक साल की परफॉर्मेंस आपसे मांगी जाती है और अगर लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस देखी जाए तो बहुत सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस मेरी थी और जहाँ तक मुझे पता चला कि एंड तक मेरा हो चुका था और उसके लास्ट में जाते हुए रंजन सोढ़ी को मिला है तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि ऐसा क्यों हुआ है और जब गलत हुआ है और ये नहीं होना चाहिए था। मैं इससे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। आपको क्या लगता है आपका नाम आखिरी मोमेंट में क्यों चेंज कर दिया गया? ये ना कमेटी में क्या हुआ क्या नहीं मुझे नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, सरेआम गलत हुआ है। फिर इसके साथ मुझे लग जाता है फिर अवार्ड की क्या इम्पोर्टेंस रही फिर हमारे लिए। बिल्कुल, आपकी भावनाओं को अच्छी तरह से हम समझ भी सकते हैं। कृष्णा, जरा ये बताइए, अब जो आपकी आपत्ति है, क्या आप खेल मंत्री से मुलाकात करके इन आपत्ति को उनके सामने दर्ज कराएंगी? बिल्कुल कराऊंगी, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ आज और ये जरूर मैं कराऊंगी। जब आप अवार्ड के हकदार हैं और जबकि सबसे ज्यादा डिजर्व मैं कर रही हूँ, सभी लोग मुझे कह रहे थे कि इस बार आपको मिलेगा तो एन मोमेंट पे जाके मुझे पता चलता है कि ये मुझे मेरा नहीं हुआ तो मैं जरूर उनसे मिलूंगी, ऐसा क्यों। कृष्णा, आपने वोटिंग पैटर्न पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, उसमें क्या दिक्कत आपको नजर आती है? देखिए, अगर लास्ट टाइम की भी आप परफॉर्मेंस देखते हैं वो भी मेरी कमी है, हिस्ट्री मैंने कायम की है, पहली महिला एथलीट बनी हूँ, 12 साल तक अपने बच्चे को छोड़कर मैं स्पोर्ट्स कर रही हूँ, छोटे से बच्चे को स्पोर्ट्स छोड़ा था जब स्पोर्ट्स में करने आई थी जी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके लिए मैंने समाज में एक महिलाओं को एक स्थान दिया था कि वो कुछ भी कर सकती है जी। तो उसके लिए मेरे को एक द्रोणाचार्य पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था, तो किस लिए नवाजा गया था जब मैं इस काबिल ही नहीं थी? तो फिर उसके बाद अगर स्पोर्ट्स अचीवमेंट आप देखते हैं मेरी तो फिर ये अवार्ड मेरे लिए क्यों नहीं है। बिल्कुल, आप जाहिर तौर पर आपने देश का नाम कई बार रोशन किया है और आप डिजर्व भी करती हैं, लेकिन रंजन सोढ़ी के नाम की सिफारिश की गई और उसके बाद उन्हें चुन लिया गया, इसके पीछे वजह क्या देखती हैं आप? राजनीति समझती हो या तो फिर कुछ भी कह सकते हैं आप इसे, इतने बड़े लेवल पे आके ऐसी बातें हो रही हैं। हाँ, वो अच्छे एथलीट है लेकिन जिस आप किसका बन रहा है वो भी देखना पड़ता है ना, क्योंकि एक साल से मैं कितना अच्छा डिजर्व कर रही हूँ, लास्ट ईयर परफॉर्मेंस आप देखते हैं जी। तो डिजर्व मैं कर रही हूँ, लास्ट टाइम में एंड मोमेंट में क्या होता है वो तो हम सबको ही पता है क्या होता है क्या नहीं होता है, तो बहुत बुरी बात है। बिल्कुल कृष्णा, क्या आपको लगता है कि दरअसल जो अवार्ड दिए जाते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं राजनीतिक सिफारिश होती है और इसी कारण जो टैलेंटेड खिलाड़ी हैं उनके नाम को दरकिनार कर दिया जाता है? लोगों का मुझे नहीं पता, वो राजनीतिक प्रेशर डालते होंगे, लेकिन मेरा ये था कि मैंने अप्लाई किया है, मैं उसकी हकदार हूँ और मुझे 100% उम्मीद थी कि ऐसा होगा ना। मैंने किसी की सिफारिश की थी, हो सकता है मैंने किसी की सिफारिश नहीं की इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। बिल्कुल कृष्णा, आपने तमाम जो बातें गिनवाई हैं जाहिर तौर पर आप उसके लिए डिजर्व भी की हैं और आपका प्रदर्शन भी काफी अच्छा रहा है पिछले कुछ दिनों पर अगर हम नजर डालें, लेकिन किसके कहने की वजह से रंजन सोढ़ी के नाम को आगे बढ़ाया जा सका होगा और आपके नाम को हटा दिया गया, इस बारे में कुछ जानकारी आपके पास है क्या? अभी मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ कमेटी मेंबर्स से मुझे पता चला कि एंड लास्ट तक मेरा चल रहा था नाम और ऑलमोस्ट डिसाइड भी हो चुका था और एंड टाइम आखिर में जाकर रंजन सोढ़ी को जब मिला है इतनी बात मुझे पता चली है। एक आखिरी सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि सिर्फ सिफारिश के बल पर ही इस तरह के अवार्ड मिलते हैं? अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि ये स्पोर्ट्स अवार्ड जो भी हैं वो सारे बंद कर देने चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया कृष्णा पुनिया हमारे साथ जुड़ी हुई थी। उनका कहना है कि अगर सिफारिश के आधार पर इस तरह से अवार्ड मिलते हैं तो इस तरह के अवार्ड बंद कर देने चाहिए। आपको बता दें कि दरअसल खेल रत्न के रंजन सोढ़ी के नाम की सिफारिश करने पर डिस्कस हुआ, कृष्णा पुनिया ने सीधे सीधे सवाल उठा दिए हैं।
पुनिया के मुताबिक खेल रत्न के लिए जब सिलेक्शन कमेटी की बैठक शुरू हुई थी तब सिर्फ उनका और लंदन पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले एचएन गिरिशा के बीच होटिंग थी वोटिंग, लेकिन आखिरी वक्त में सोढ़ी का नाम जोड़ दिया और उनको चुन भी लिया गया। कहीं न कहीं इस पूरे मामले में वो सिफारिश देखती हैं और इसी वजह से वो खेल मंत्री से मुलाकात करके अपनी आपत्ति भी दर्ज कराएंगी। बहरहाल